दोनों मैगी का कंपैरिजन करने वाले, ये मौत का कुआ है, नहीं ज्वालामुखी भी यहाँ पे देख रही है लाल लाल खून की तरह। हाँ भाई स्पाइसी तो है, देखते हैं खा के देखो खा के आराम, यहाँ पे आंसू तो निकल जाए। सो हे गाइस, आज हम जो है दो तरीके के मैगी ट्राई करने वाले हैं। एक हमारे पास सिंपल मैगी है विद जोलो चिप, हम इसमें जो है डाल कर खाएंगे, और एक यार काफी इसका ट्रेंड चल रहा है कोरियन मैगी 3X जो कि स्पाइसी है और चिकन फ्लेवर रेमन इसका जो है फ्लेवर है। और आज हम दोनों मैगी का कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन सी ज्यादा स्पाइसी होती है। तो लेट्स ट्राई, देखते हैं भाई कौन सी जो है ज्यादा मैगी स्पाइसी होती है। ऐसे गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये हमारे पास एक जोलो चिप है जिसे हम खोल के दिखाते हैं पहले। तो ये देखिए जोलो चिप है, एंड यहाँ पे हमारे पास एक मैगी है, सिंपल मैगी है 2 मिनट नूडल। तो यहाँ पे हम इसमें चलो पानी डाल देते हैं पहले, ये अपनी मैगी आ जाती है इसमें हम मैगी। और इसके बाद हम इसमें अपना मसाला डाल देते हैं, मैगी मसाला। अब इसमें हम जो है थोड़े थोड़े इसके टुकड़े डालना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये हमारे पास जोलो चिप आ चुकी है, यहाँ पे मेरे को लगता है ये मौत का कुआ है, जैसे गोलगप्पे में भी बनाते थे कई लोग। तो ये देखो ये अपनी जोलो चिप यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे अपनी मैगी बनने जा रही है। अब देखते हैं कैसा इसका टेस्ट आता है। तो अब हम अपनी दूसरे साइड कोरियन मैगी भी बना देते हैं। यहाँ पे पहले हम गैस ऑन कर लें। ये 150 रुपये की गाइस मैगी है, और देखते हैं 150 रुपये में क्या ये निकलता है। मैगी तो सही में काफ़ी बड़ी है, और ये चिकन फ्लेवर है, ये इसके फ्लेक्स वगैरह आ चुके हैं। और यहाँ पे इसका बहुत बड़ा भाई साहब ये मसाला है, सूप टाइप मसाला है, तो हम इसे साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे अपनी मोटी मोटी मैगी आ चुकी है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम इसमें अपनी मैगी भी डाल देते हैं थोड़े तोड़कर, बड़े बड़े टुकड़े हैं काफी। तो यहाँ पे अपनी फर्स्ट मैगी बन चुकी है यहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से। तो अब हम इसे बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे पता नहीं कोरियन में इसमें पैकेट में क्या लिखा हुआ है, बट एक तरह का ये एक सूप है, ये कोई मसाला वगैरह नहीं है। मेरे को लगता है ये भाई पूरा जो स्पाइसी होने वाला है। ये देखो यहाँ पे हम इसमें डालते हैं, ये भाई ये कोरियन सूप है जो मर्जी है ये। तो यहाँ पे अपना जो एक और फ्लेक्स आए थे चिली फ्लेक्स शायद आई थिंक, तो अब हम ये भी इसमें डाल देते हैं। ये लो ये भी इसमें आ गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा लाल लाल खून की तरह मैगी हमारी जो है बन रही है। ये भी हमारे साथ है, इसे हम मैगी खिलाएंगे पूरे अच्छे तरीके से। क्या कहना चाहेंगे? मुझे मैगी बहुत पसंद है। अरे अरे यहाँ पे अपनी कांच की प्लेटें आ चुकी हैं, और यहाँ पे अपनी 150 या 200 रुपए की मैगी जो की मैंने इम्पोर्ट करा के मंगाई थी। तो गाइस यहाँ पे पहले अपने जोलो चिप वाली हम मैगी ट्राई करने जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी पहले हम खाते हैं कितनी है, थोड़ी बहुत स्पाइसी है, इतनी ज्यादा स्पाइसी नहीं है। और हम देखते हैं वैसे नॉर्मली टेस्ट है इसका, थोड़ा जोलो चिप का भी टेस्ट आ रहा है, इतना स्पाइसी कुछ नहीं है। इसे हम फेंक देते हैं। यहाँ पे अब अपनी जो है कोरियन मैगी आ चुकी है, इसे हम देखते हैं भाई। मैं चिकन वैसे खाता तो नहीं हूँ, थोड़ी बहुत हम जो ट्राई करेंगे पहले, इतनी हम पहले ट्राई करते हैं। पर इतनी भी स्पाइसी नहीं है, मेरे आंसू आने लगे हैं, पर इतनी भी स्पाइसी नहीं है, इतनी और खा के देखते हैं। इतनी तो स्पाइसी नहीं है, पर मेरे को चॉकलेट खानी चाहिए मेरे ख्याल से। देखो और इतनी भी स्पाइसी नहीं है कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े, पर इतनी तो है, थोड़ी बहुत है। जो ज्यादा स्पाइस खा सकते हैं वो इसे ऑब्वियसली ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हम पहले चॉकलेट खा लेते हैं। सो हे गाइस, यहाँ पे अपनी जो है चाची जी आ चुके हैं, ये अपना रिव्यू देंगे इन मैगी पे। तो चाची जी आप अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? हेलो गाइस, जैसा कि आज हर्ष ने ये टास्क रखा था मैगी खाने का, तो आज हम ट्राई करेंगे जोलो चिप्स और कोरियन मैगी। तो पहले खाते हैं जोलो चिप वाली मैगी, हम जो है चाची को पहले खिलाएंगे। तो यहाँ पे चाची जी ने खा ली है। चाची जी आपको इसका कैसा टेस्ट लग रहा है बताओ? ये नॉर्मल ही है, मतलब कोई खास स्पाइस नहीं है, बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, और थोड़ा खा लीजिए पहले, हम अच्छे तरीके से बताइए और खा के। टेस्ट भी अच्छा है, मतलब नॉर्मल बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, जोलो चिप का इतना टेस्ट नहीं आ रहा है, सिंपल मैगी टाइप की है। तो यहाँ पे अपनी जो कोरियन मैगी है, तो आप इसे ट्राई करें कैसी है ऐसे। बाकी ये तो है स्पाइसी है थोड़ी बहुत, मैंने भी इसे ट्राई किया। रेड रेड लग रही है, थोड़ी ज्यादा लीजिए ताकि पता लगे हमारी ऑडियंस को। तो यहाँ पे अपनी जो मैगी खाते हैं चाची जी खाते हुए। तो चाची जी मैगी चाची ने खा ली है, इसका टेस्ट अभी टेस्ट आएगा इसका, अभी देखते हैं। इसमें थोड़ी स्पाइस है, बच्चे इसको ट्राई ना करें। तो चाची जी को हम अपनी चॉकलेट देते हैं। अरे यहाँ पे अपने कैमरामैन ने चॉकलेट चुरा ली है। खाने के साथ ही आप जरूर कुछ मीठा भी ट्राई करें, स्पाइसी है, बच्चे इसको बिल्कुल ट्राई ना करें। अच्छा,
तो यहाँ पे हम जो है अगले कंटेस्टेंट आ चुके हैं यहाँ पे काव्या, इनका नाम काव्या। अब आप चैलेंज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आ गई जॉन चिप्स मैगी और ये आ गई कोरियन मैगी। हाँ ये बच्चे बहुत समझदार है। तो पहले यार ये जोलोजी वाली मैगी खा के देखो कैसी लग रही है। थोड़ी बड़ी बाइट लो, बड़ी बाइट। ये तो सही में काफी बड़ी बाइट ले रहा है। खा भी ली तो पहले अब इसका रिव्यू, तो कैसे लग रहा है मैगी? बिल्कुल ये स्पाइसी नहीं है, सिंपल मैगी जैसी है। जैसे सिंपल मैगी होती है बिल्कुल वैसी ही है। हाँ। अच्छा सिर्फ थोड़ा थोड़ा और खा सकते हो मैगी को? हाँ। खा के दिखाओ कितना बड़ा बाइट खा सकते हो उसका। अरे भाई साहब इतना तो मैं नहीं खा सकता इतना ये खा गया। तो कैसा लगा रिव्यू? कुछ ज्यादा स्पाइसी नहीं है? है स्पाइसी तो है थोड़ा बहुत, नहीं है ये सही है। तो चलो अब इसे हम कोरियन मैगी भी खिलाते, थोड़ी सी खाना, ये ज्यादा मत खाना क्योंकि इसे ज्यादा बच्चे ट्राई ना करे तो ही ठीक है। क्या अब इसे लालच आ गया था चॉकलेट को देखते हुए तो ये ट्राई कर रहा है आज। अब देखते हैं खा के देखो, खा के आराम से आराम से। मेरे को लगता है इतने में इसकी बस हो जाएगी क्योंकि ये काफी ज्यादा स्पाइसी है इन दैट केस। अरे तो यहाँ पे आंसू तो निकल चुके हैं आलू जी। आंसू निकल चुके हैं। तो बच्चों को इसे देने चाहिए क्या? नहीं, क्या कहते हैं? बच्चों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जो स्पाइसी खा सकते हैं उन्हें ये जरूर खाना चाहिए। ये यार बिल्कुल सही कहा है। तो चाची जी क्या कहना चाहेंगे? हमने बच्चे को ही खिला दिया ये। हाँ बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि स्पाइसी है, बट हाँ बड़े ट्राई करें वो भी जो ज्यादा स्पाइस खाते हैं, अदरवाइज। तो अब हम इसे यार ये मैगी पूरी दे देते हैं गिफ्ट में। तो अरे 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 तो भाग गया। तो कंपैरिजन के चक्कर में मैं देखो व्लॉग की एंडिंग करना तक भूल गया, पर चलो जो भी हो बाकी कोई बात नहीं। अगर तुम्हें वीडियो बढ़िया लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब वगैरह कर देना, और इतने टाइम बाद व्लॉग डाला है, डाल दिया तो खुशी मनाओ तुम उसकी। तो बस यार आज के लिए इतने काफ़ी है, बाय।